एवरी वन वेलकम टू फ्री स्टडी सो हमारा लास्ट वीडियो है फॉर द इंसाइट्स फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन हम ऑलरेडी फेबररी का करंट अफेयर्स पेज नंबर वन ट्वेंटी तक कर चुके हैं आज हम पेज नंबर वन ट्वेंटी वन टू वन फिफ्टी करेंगे एंड फैब के भी करंट अफेयर्स हमारे डन हैं इसके बाद आपको मार्च की वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी एंड uh, चैनल के साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो शेयर ज़रूर करें ओके सो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बिकॉज प्रिलिम्स इज़ वेरी नियर एंड देखते हैं कोरोना का क्या असर पड़ता है डेट के ऊपर बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें कि थर्टी फर्स्ट मे को ही पेपर है तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ट्वेंटी नाइनटीन तो सेकेंड फेबररी को मनाया जाता है कन्वेंशन ऑन वेट लैंडस जो कि अडॉप्ट किया गया था इरानियन सिटी ऑफ रामसर के अंदर नाइनटीन सेवनटी वन में एंड इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट है नाइनटीन एटीस टू से ही एंड रामसर अप्रोच को भी कमिटेड है ऑफ वाइज यूज़ ऑफ़ वेटलैंड एंड जो थीम थी वो थी वेट लैंडस एंड बायो डायसिटी स्टेटस क्या है इंडिया की जो सिटीज़ हैं उन्होंने 25 फाइव हेक्टेयर ऑफ वेटलैंड लूज कर दिया है हर वन स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज करने के लिए फॉर बिल्टअप एरिया पिछले चार दशकों में गुड न्यूज़ ये है कि टेन और वेटलैंड साइट्स जो हैं वो एड की गई हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर जो इंडिया है एंड दैट कंट्री हैज़ ओवर सेवन फाइव सेवन चिपल जीरो वेट एंड टोटल वेटलैंड एरिया फिफ्टीन पॉइंट थ्री मिलियन हेक्टेयर मीन्स फोर पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ़ टोटल जोग्राफिकल एरिया ये नंबर्स कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा इंडिया के अंदर अभी थर्टी सेवन रामसर साइट्स हैं वन पॉइंट जीरो सेवन मिलियन हेक्टेयर एंड जो लेटेस्ट एडिशन हुई हैं उसके अंदर महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है दैट इज़ नंदुर बर्ड सेंचुरी तीन पंजाब से केशोपुर में मियानी रिजर्व एंड नांगल, सिक्स, उत्तर प्रदेश से, समन, सरसाई नवर। इन्हें कर लीजिए वेटलैंड्स क्यों जरूरी होते हैं क्योंकि वेटलैंड्स वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे फूड वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाटर प्यूरिफिकेशन फ्लड मॉडरेशन इरोजन कंट्रोल माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करना लैंडस्केप एस्थेटिक्स लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना खतरे क्या हैं अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो उससे वेटलैंड्स का जो एरिया है वो घटेगा एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया ने की 1970 से 2014 के बीच में तो जो सिटीज़ हैं वो वेटलैंड्स रैपिडली वहाँ पर डिग्रेड हो रहे हैं घट रहे हैं मीन्स ट्वेंटी फाइव हेक्टेयर पर स्क्वायर किलोमीटर जो बिगेस्ट ऑफेंडर्स हैं वो हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज़ जैसे कि न्यू डेली बेंगलुरु चेन्नई मुंबई एंड हैदराबाद जो कि वेटलैंड्स को प्राइवेट डंपिंग ग्राउंड्स की तरह ट्रीट करते हैं नौ केरला का बैन ऑन सी एफ एल एंड फिलामेंट बल्ब फ्रॉम नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी केरला सी एफ एल दैट इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट मैप क्लैम्प एंड इन कैंडिसेंट बल्ब इसके ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं नवम्बर से एंड इसका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फिलामेंट फ्री केरला ये टू थाउजेंड एटीन में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ऑफ़ द स्टेट्स ऊर्जा केरला मिशन के अंदर तो फिलामेंट फ्री केरला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड एनर्जी मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ केरला जो कंज्यूमर्स होंगे अब वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एल ई डी के लिए ऑन द के एस सी बी साइट एंड वो फिलामेंट बल्बस को एक्सचेंज करा सकते हैं नाइन वॉट के एल ई डी बल्ब सोल्ड किए जाएंगे कम प्राइजस पे बाय द गवर्नमेंट ताकि उनका यूसेज बढ़े एंड पिछले साल जो पीली कोड़े है इन कसार कसारकोट डिस्ट्रिक्ट वो पहली पंचायत थी जो कि कंप्लीटली फिलामेंट फ्री थी ये जो प्रोजेक्ट है ये पाठ है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी का भी एल ई डी एंड सी एफ एल में डिफरेंस क्या होता है जो सी एफ एल है उसकी जो एमिशन ऑफ लाइट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ मरकरी वेपर एंड मरकरी वेपर जब आयोनाइज होती हैं तो वो अल्ट्रा वोलेट रेज प्रोवाइड करती हैं एंड ये जो रेज होती हैं ये जब फोसफोरस कोटिंग के साथ को लाइट करती हैं तो इससे विजिबल लाइट जनरेट होती है जबकि एल ई डी में ये पी एन जंक्शन डायोड की वजह से होता है जब फॉरवर्ड करंट अप्लाई होता है अक्रॉस द डायोड तो जो रिकॉम्बिनेशन है चार्ज कर का वो टेक प्लेस करता है मीन होता है एंड इससे एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट बैंड के पीछे का रैशनली इंपॉर्टेंस क्या है कारण क्या है तो जो सी एफ एल है अगेन वो मरकरी वेपर यूज करते हैं जो कि एनवायरमेंट एंड लिविंग बींग्स के लिए डेंजरस है इसको और भी एडिशनल कॉम्पोनेट्स चाहिए जैसे कि ब्लास टंगस्टन ट्यूब कोटेड विद बेरियम जिससे कोस्ट बढ़ जाती है जो डिस्ट्रिक्शन है एलईडी की वो ईजी है एज कंपेयर टू सी एफ एल क्योंकि एल के अंदर कोई हार्मफुल मेटल नहीं होता जो ब्राइटनेस है एल की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सी एफ एल क्योंकि एल लाइट को एमिट करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में तो एल बेटर है सी एफ एल से हर एस्पेक्ट में एल ई डी एट्टी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव करता है इवन दो इनकी कॉस्ट भी लेस है ये रिसाइकलेबल भी हैं एंड इनकी जो ब्राइटनेस है वो अगर आप काफ़ी टाइम तक भी यूज़ करते रहते हैं एल ई एंड ऑल तो भी उनकी ब्राइटनेस उतनी ही रहेगी नाउ वी विल रीड अबाउट प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन दैट इज़ पी एस तो तमिलनाडु के सी एम ने डिक्लेयर किया है कि जो कैवेरी डेल्टा है वो प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन रहेगा एंड इसके लिए वो एक लॉ भी पास करेंगे प्रोटेक्टेड जोन के अंदर थंजावुर तिरुवुर नगापट्टनम डिस्ट्रिक्ट एंड डेल्टा रीजन्स ऑफ ट्रिची अरियलूर, कुडालोर एंड पुडु कोटाई भी इंक्लूडेड है तो पी सेज़ का एम यही है कि कावेरी डेल्टा को बचाया जाए फ्यूचर के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड कंसर्नस हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड अकॉर्डिड प्राइमेसी टू फूड सिक्योरिटी ये जो डेल्टा है ये थर्टी थ्री लाख टन्स ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा ट्वेंटी एट हेक्टेयर्स में मल्टीपल प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं फॉर अ डिकेड ओवर मिथिन हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड नैचुरल गैस प्रोजेक्ट्स जिसके लिए एक्विजिशन करना फर्टाइल लैंड्स का एंड वेल ड्रिलिंग का वो ज़रूरी है तमिलनाडु लेजिस्लेशन तो इनेक्ट करेगा ही कोस्टल एरिया में एंड जो स्टेट है उसके चैलेंजेस यही हैं दो में गवर्नमेंट के नोटिफिकेसन ने फोर्टी फाइव को मीन्स डेलीनेट किया था मीन्स जो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड हेक्टेयर्स को एरिया को कवर करते थे इन कुड्डालोर एंड नगापटनम डिस्ट्रिक्स इन द दे डेल्टा क्योंकि पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट जो था वो नाइन्टी थाउजेंड करोड़ से भी मीन्स बढ़ गया था इन इन्वेस्टमेंट्स एंड जो प्रोपोज पी एस ए जेड है वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है इन एम्बीशियस स्कीम पर नौ गवर्नमेंट को ब्रेव सेंट्रल प्रेशर लिटिगेशन कंपनी से भी फेस करना पड़ेगा एंड स्टेट के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर भी इम्प्लीकेशनस देखने होंगे नौ ग्लोबल कंजरवेशन लिस्ट तो इंडिया जो है वो आश, एशियन एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ग्लोबल कंजरवेशन लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने जा रहा है एक ऐसे लिस्ट ऑफ़ स्पीशीज जो कि दैट मैरिट हाइटन

इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे वो मींस इंडिया जो होगा वो डेजिग्नेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ सीओपी फॉर नेक्स्ट थ्री इयर्स नो एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इस लिस्ट में रखते हुए अपेंडिक्स वन में रखते हुए एंड वन स्पीशीज़ हो जाएंगे एंड यहाँ पर टाइगर्स एलिफेंट्स भी हैं तो सी एम एस कन्जर्व कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ये आपका यू एन ई पी के अंदर है एंड इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ताकि माइग्रेटरी एनिमल्स एंड उनके हैबिटेट्स को कंजर्व एंड सस्टेन करके रखा जा सके इन स्पीशीज को क्लासीफिकेशन करना अपेंडिक्स वन में कौन आएगा कौन कहाँ आएगा अपेंडिक्स टू में कौन आएगा तो अपेंडिक्स वन के अंदर वो आते हैं जो कि थ्रेटनड हो विद एक्सटिंक्शन एंड अपू में वो माइग्रेटरी स्पीशीज आते हैं जिन्हें बेनिफिट चाहिए फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन तो सी एम एस सिर्फ ग्लोबल एंड यू एन बेस्ड इंटरगर्मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेरिस्ट्रियल एक्विटी कैबिन माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व एंड मैनेज करने की बात करती है माइग्रेटरी स्पीशीज कौन होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है माइग्रेटरी स्पीशीज मीन्स वो एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाए एंड uh, इसमें नेस्टिंग एंड हैबिटेट्स बिफोर एंड आफ्टर ये सब इंक्लूडेड होता है नाउ जल जीवन मिशन आई थिंक ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं नो नीड टू रीड इट अगेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जल जीवन मिशन फिफ्टी रेशो फिफ्टी इसके अंदर शेयर है फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम है ट्वेल्व परसेंट हाउस होल्ड जो है वो पाइप वाटर सप्लाई अभी ले रहे हैं इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के थ्रू सो राजस्थान जहाँ पर 12% परसेंट हाउस पाइपड वाटर सप्लाई को यूज़ करते हैं एंड उन्होंने न्यू एक्शन प्लान बनाया है जे जी एम के लिए बाई रेज्यूविनेटिंग द सोर्सेज ऑफ वाटर टू प्रोवाइड कनेक्शन टू अबाउट नाइनटी एट लैक हाउस होल्ड्स एंड जो जे है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के अंडर जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है स्टेट का 1.01 परसेंट शेयर है मीन्स सरफेस वाटर के लिए एंड हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर जो कि जोग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज हैं जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था इसका एम यही है कि हर घर जल रूरल हाउस होल्ड्स को बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एंड वाटर कंजरवेशन सो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाएंगे जैसे पॉइंट रिचार्ज डी सिल्टिंग करना माइनर इरिगेशन टैंक्स की ग्रे वाटर को यूज़ करना फॉर एग्रीकल्चर एंड सोर्स सस्टेनेबिलिटी जल जीवन मिशन कन्वर्ज करेगा दूसरे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी ताकि जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का वो फुलफिल हो सके इंडिया की अभी सिक्सटीन परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है लेकिन सिर्फ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास फोर परसेंट ही है। नो फ्यूचर ऑफ अर्थ 2020 रिपोर्ट रिलीज की साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस डाइविका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इनका एम यही है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए एंड ग्लोबल वार्मिंग को टू डिग्री सेल्सियस से नीचे लाया जाए बाय ट्वेंटी इसके फाइव ग्लोबल रिस्क ध्यान रखिएगा एक तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को अगर हम फेल हो जाते हैं अचीव करने में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एकोसिस्टम को फूड क्राइजिस एंड वाटर क्राइजिज की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इंटर रिलेशन एंड रिस्क फैक्टर्स का बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी एंड जो फाइव ईयरस थे 2014 से 2018 वो 1880 से वार्मेस्ट रिकॉर्ड रहा है ओवर लैंड कंसर्नस एंड चैलेंजेस क्या हैं हमें डिक्लेरेशंस करनी होंगे क्लाइमेट क्राइजिस की एंड लीडर्स को ऑफ मोर देन सेवन हंड्रेड सिटीज स्टेट्स एंड गवर्नमेंट येट जो ड्यूरिंग टू थाउजेंड मींस टू थाउजेंड नाइनटीन है वहाँ पर जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो फोर वन फाइव पी पी एम से भी ज़्यादा बढ़ गया means particulate per matter. Now, anthropogenic factors भी है मीन्स पर्टिकुलेट पर मैटर नाउ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं ठीक है इसके लिए स्ट्रीनस भी ऑन फूड प्रोडक्शन डिनाइल ऑफ क्लाइमेट चेंज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं नाउ एजुके एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन को एड्रेस कर रही है नाउ इंडियाज बर्ड की क्या स्टेट है ट्वेंटी ट्वेंटी तो रिसर्च टाइटल स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ने पुट टुगेदर बाई ओवर टेन इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूमेरस सिटीजन साइंटिस्ट इसको रिलीज किया ऑनगोइंग गोइंग यू एन के थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज इन गांधी नगर गुजरात फिफ्टी परसेंट जो एट सिक्सटी सेवन स्पीशीज को स्टडी किया गया पाया गया कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इन अ लॉन्ग टर्म जबकि वन फोर्टी सिक्स रिस्क में है जो पॉपुलेशन है रैप्टर्स की जैसे कि ईगल्स हॉक्स काइड्स माइग्रेटरी सी बर्ड्स एंड बर्ड्स जो स्पेशलाइज हैबिटेट्स के अंदर रहती हैं वो मोस्ट अफेक्टेड हैं जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वेस्टर्न घास में एंड जिन्हें कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स फोर मोस्ट बायोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो भी सेवेंटी फाइव परसेंट से डिक्लाइन हो गया है सिंस टू थाउजेंड इंडिया का जो पी फाउल है नेशनल बर्ड एंड मीन्स आपका पिकॉक उसमें भी ड्रामेटिक इंक्रीज पाया गया अबंडेंस में भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो हाउस स्पैरोज़ हैं वो भी स्टेबलाइज हुए एंड लेकिन पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है 126 ट्वेंटी सिक्स स्पीशीज इंक्लूडिंग पी फाउल हाउस स्पैरो एशियन कोयल एंड रोज रिंगड पैराकीट एंड कॉमन टेलर बर्ड ये इनके नंबर्स जो है वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है ये स्टडी कैसे कैरी की जाती है जो डाटा है बर्ड्स का वो कलेक्ट किया जाता है सिटीजन साइंस ऐप ई

कंसर्न्स uh, यही है कि थ्रेट है लॉस ऑफ हैबिटेट का ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी टॉक्सिन्स का फैलना हंटिंग एंड ट्रैपिंग करना पैट ट्रेड की वन ज़ीरो वन स्पीशीज़ जो है वो हाई कंजर्वेशन कंसर्न के लिए है एंड थ्री वन नाइन स्पीशीज़ को मॉडरेट कंजर्वेशन कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है Now, वो अपेंडिक्स वन ऑफ यू एन कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर आती हैं तो अभी तो हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखी थी एशियन एलिफेंट बेंगाल फ्लोरिकन ये सब यूएन कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज में आती हैं एंड ये सब हुआ एट द ओन गोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज इन गांधीनगर गुजरात एशियन एलीफेंट इंडिया नेपाल बांग्लादेश भूटान म्यांमार के अंदर मिलता है तो सभी इकट्ठे ही हैं इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है तो ई से एलिफेंट ई से एंडेंजर्ड ये अपेंडिक्स वन में इंक्लूडेड है ऑफ़ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा एंड शेड्यूल वन में भी इंक्लूडेड है ऑफ़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये वन ऑफ द हैवियस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है वर्ल्ड में एंड ये आपका इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है स्टेट बर्ड भी है ये राजस्थान की इसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अपेंडिक्स वन में आती है साइट्स के एंड शेड्यूल वन में भी आती है बेंगोल फ्लोरिडियन फ्लोरिकन है ये उत्तर प्रदेश आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आई की रेड लिस्ट में आता है शेड्यूल वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एंड अपेंडिक्स वन में आता है साइट्स के नौ युक्त शिविर तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जल युक्त शिवर शिविर जो प्रोग्राम था कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था उसे स्क्रैप कर दिया है ये 2014 में लॉन्च किया गया था ड्रॉट्स के लिए एंड फीचर्स यही थे कि मजबूत करना है स्ट्रीमलाइन करना है एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज को जैसे कि कैनाल्स बर्नस एंड पोन्ट्स एंड मैक्सिमम रन ऑफ रेन वाटर को हमें अरेस्ट करना है फ्रॉ ड्यूरिंग मानसून ना वट नेसेसिटेटेड दिस तो फिफ्टी टू परसेंट जो जोग्राफिकल एरिया है वो तो प्रोन तो टू ड्रॉच है चाहे नेचुरली हो या पुअर रेनफॉल हो आपका मराठवाडा एरिया हो गया मध्य महाराष्ट्र हो गया विदर्भ के रीजन हो गए तो जलयुक्त शिविर क्या बेनिफिशियल था तो जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन तक जो स्कीम थी उसने सिक्सटीन थाउजेंड ड्रोट प्रोन विलेज को तो ट्रांसफॉर्म किया एंड इरीगेशन एरिया भी इंक्रीज हुआ बाई थर्टी फोर लैख हेक्टेयर्स क्रॉप यील्ड भी बढ़ी पर्टिकुलरली खैरिफ क्रॉप्स एंड मिड ट्वेंटी नाइनटीन तक जो इंटरवेंशंस थी उससे शॉकिंग ऑफ स्टॉकिंग भी हुआ वाटर का मेजरिंग ट्वेंटी फोर लैख ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नाउ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 तो इसे रिलीज करता है पॉल्यूशन ट्रैकर आई क्यू एयर एंड ग्रीन पीस ये जो रैंकिंग है ये पी एम टू पॉइंट फाइव लेवल पर कंपेयर की जाती है बांग्लादेश सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है इसका पीएम टू पॉइंट फाइव है इस पर आपका पाकिस्तान मंगोलिया अफगानिस्तान और इंडिया इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं पीएम टू पॉइंट फाइव मीन्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनका जो डायमीटर है साइज में वो टू पॉइंट फाइव है जैसे कि सल्फेट नाइट्रेट्स एंड ब्लैक कार्बन ये सीधा लंग में जाते हैं हार्ट है, डिसऑर्डर करते हैं कॉग्नेटिव एंड इम्प्यूट इम्यून फंक्शंस को खराब करते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आप देख सकते हैं गाजियाबाद है ठीक है फिर आपका होटन देन गुजरन वाला देन फैसलाबाद देन दिल्ली नोएडा गुड़गांव राज ग्रेटर नोएडा एंड बंदवाड़ी नौ इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही 21 जो हैं वर्ल्ड की थर्टी सिटीज में से ट्वेंटी वर्स्ट एयर पॉल्यूशन है सिक्स जो है इंडिया की वो टॉप टेन में रही गाज़ियाबाद न्यू दिल्ली के साथ साथ नॉर्दर्न यूपी में वर्ल्ड्स की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रही एंड एवरेज पीएम था टू पॉइंट फाइव कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट थी वन वन जीरो पॉइंट टू नेशनल एयर पॉल्यूशन इंडिया में डिक्रीज हुआ ट्वेंटी परसेंट से नाइन्टी एट परसेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट को ये रिपोर्ट पॉइंट करती है इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेवरेबल वेदर कंडीशंस को एफर्ट्स को टर्ड्स क्लीनिंग द एयर एज रीजन बिहाइंड नौ पहला जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था जिसका एम था रिड्यूस करना पीएम एम टू पॉइंट फाइव एंड पीएम एम टेन एयर पोल्यूशन इन वन वो ट्वेंटी से थर्टी परसेंट हो पाएगा वाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कंपेयर टू ट्वेंटी सेवनटीन लेवल्स साउथ hmm. एशिया अभी भी पर्टिकुलर कंसर्न पे है ट्वेंटी जो है थर्टी सिटीज में से वो पॉल्यूटेड है इसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भी है साउथ एशिया को ने इम्प्रूवमेंट भी की है जो चाइनीज सिटीज़ है उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखी गई मतलब नाइन परसेंट इनका फॉल हुआ है पॉल्यूटेंट्स क्लाइमेट क्राइसिस एंड अर्बनाइजेशन इसमें आपको सारे गुड पॉइंट्स आपको लिखने होंगे इफेक्ट्स भी आप बस इसके अंदर यही ध्यान रखिए आपका जो सेवन मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स हो सकती हैं इसकी वजह से एंड एट्टी परसेंट जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं दे आर एक्सपोज टू एयर क्वालिटी लेवल्स नाउ वन थाउजेंड स्प्रिंग्स इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वन थाउजेंड स्प्रिंग्स इनिशिएटिव ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जी आई एस बेस्ड स्प्रिंग एटलस के लिए विद द हाइड्रोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग्स मैंशन इससे सेफ़ एंड एडिक्वेट वाटर मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो कि डिफिकल्ट एंड इन एसेसिबल पार्ट ऑफ रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं ये एक इंटेग्रेटेड सोल्यूशन है अराउंड नेचुरल स्प्रिंग्स सो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए एंड इस इनिशियेटिव के अंदर सेवनटी यंग ट्राइबल यूथ जो हैं रूरल बेल्ट जो है थ्री डिस्ट्रिक्ट की उड़ीसा में दट इज़ कालाहा खंडामल एंड गजपति उनको इंक्लूड किया जाएगा स्प्रिंग्स नेचुरल सोर्सेज होते हैं ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के एंड इन्हें एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है माउंटेनियस रीजनस के अंदर सेंट्रल एंड जो ईस्टर्न इंडियन बेल्ट है जहाँ पे 75 परसेंट से भी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है ये लार्जली अन एंड अंडर यूटीलाइज्ड एरिया है इस इनिशिएटिव से जो पोटेंशल है पेरिनियल स्प्रिंग्स का वो हार्नेस हो पाएगा एंड नेचुरल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को भी हम एड्रेस कर पाएंगे डज नॉट कन्फर्म टू आई तो स् ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि ड्रिंकिंग वाटर का क्या स्टैंडर्ड है इन डेली तो ये कंफर्म नहीं कर पाया आईएसओ के स्टैंडर्ड लेवल को एंड ड्रिंकिंग वाटर जो सैंपल्स जो डेली से लिए गए वो नॉन कन्फर्मिंग है इन वन और मोर रिक्वायरमेंट एज पर आई एस टेन फाइव हंड्रेड रेशियो ट्वेंटी ट्वेल्व नौ मेन रीजन यही है कि लीकिंग पाइप्स एंड बैकग्राउंड यही है थर्टीन जनवरी को कोर्ट ने ऑर्डर किया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एंड बी को कि वो रैंडम चेक करें वाटर क्वालिटी इन डेली एंड रिपोर्ट्स को सबमिट करें कोर्ट ने कहा बी को कि वो मेजर सजेस्ट करें ताकि वाटर प्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड रिपोर्ट्स को सैम्पल्स के तौर पे लिया जाए फ्रॉम अदर सिटीज़ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये जो प्रोपोज डैम है इसकी लेंथ सिक्स थर्टी सेवन किलोमीटर होगी नॉर्दर्न स्कॉटलैंड पे बिल्ड किया जाएगा एंड वेस्टर्न नॉर्वे पर फोर सेवन सिक्स किलोमीटर डेप्थ 21 एंड मैक्सिमम डेप्थ 321 मीटर जो सेकेंड डैम है वो फ्रांस एंड साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड के बीच में बनाया जाएगा जिसकी लेंथ होगी 161 एवरेज डेप्थ होगी 85 एंड मैक्सिमम डेप्थ होगी 102 मीटर तो ये आप देख सकते हैं ये जो रफली इक्वेलेंट है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बीकानेर नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड के बीच में देन यह डेली एंड मुरादाबाद के बीच में जितना एरिया है उसके कंपैरिजन इसको करके दिखाया गया है कोस्ट 250 बिलियन आई थिंक आर यूरोज ये लग सकते हैं एंड 0.07 परसेंट से 0.16 पॉइंट परसेंट जे का खर्चा आएगा 15 नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का एंड हैविली इंपैक्ट करेगा मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को भी इन मेज़र्स की ज़रूरत क्या है ये जो प्रोटेक्शन मेज़र्स है ये मीन्स uh, रिक्वायर्ड uh, है क्योंकि जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं वो सी लेवल राइज को लिमिट नहीं कर पाए एंड सेपरेट करना नॉर्द एन बाल्टिक सीज को फ्रॉम अटलांटिक ओशियन ये मोस्ट वाइबल ऑप्शन है नॉर्दर्न यूरोप को बचाने के लिए अगेंस्ट द अनस्टॉपेबल सी लेवल राइज जो नीड है वो अपीयर हो रही है एज द ओवरवेलमिंग एंड अनरियलिस्टिक एंड इट कुड बी पोटेंशियली फेवरेबल फाइनेंशियली एंड इन स्केल जब इसको कंपेयर किया जाता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से कुछ मेगा इंक्लोजर्स जो हैं वो कंसीडर किए जा रहे हैं वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में भी जैसे कि पर्शियन गल्फ मेडिटेरेनियन सी बाल्टिक सी इरिश सी एंड रेड सी नाउ एंटीसिपेटरी बेल क्या है तो अब हम कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल लिमिटेड नहीं है फिक्स टाइम पीरियड के लिए एंड ये एंड ऑफ ट्रायल तक कंटिन्यू रह सकती है ये आपकी थ्री जज बेंच ने दी थी इन केस ऑफ सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एन ऑफ डेली जब सेक्शन फोर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो रही थी कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्पेशल सरकमस्टांसिस हैं कि जो लिमिट है उसको नेसेसिटेट मतलब ज़रूरत है कि लिमिट किया जाए अंदर टेन्योर ऑफ एंटिसपेटरी बिल तो ये भी कोर्ट के लिए ओपन है लेकिन 438 थर्टी के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी कॉम्पेल या कोर्ट को कोबलाइज नहीं करती कि वो कंडीशंस को लिमिट करें रिलीफ इन टर्म्स ऑफ टाइम नाउ जब पार्लियामेंट हैज़ नॉट थाट इट अप्रोप्रिएट टू करटेल द राइट्स ऑफ सिटीजन्स तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो पावर्स को करटेल करे जो कि कोर्ट्स को दी गई हैं विद रिगार्ड टू बिल बिल एप्लीकेशन कोई भी पर्सन दे सकता है एफआईआर को फाइल करने से पहले भी जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करता है तो उसमें सीरियसनेस एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस भी देखता है तो एंटीसिपेटरी बिल आपका फोर सेक्शन इसको अमेंड किया गया था 1973 में ये एक प्रोसीजरल डिवीजन है जो कि कंसर्न है विद पर्सनल लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑर्डिनरी बिल की अपोज है जो कि पर्सन को दी जाती है जब कोई अंडर अरेस्ट हो एंड एंटीसिपेटरी बिल के अंदर अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज ऑन बेल इवन बिफोर अरेस्ट मेड कौन अप्लाई कर सकता है तो सबसेक्शन वन जो है वो बताता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास रीज़न हो टू बिलीव दैट मे बी अरेस्टेड ऑन एन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकता है एंड कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं ये सिर्फ सेशन कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट को ही एमपावर करता है टू तो ग्रांट एंडिस बिल तो ये क्रूशियल अंडरपिनिंग है पर्सनल लिबर्टी की एंड एट्रीब्यूट्स है ये हर इंडि के 1980 में गुरुबक्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर ये आर्टिकल 21 में इंटरप्रेट किया गया था। महाराष्ट्र टॉप्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स हिट बाय ग्लोबल मेडिकल डाटा लीक तो ग्रीन बोन सस्टेनेबल रिजेलेंस जो कि एक जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की ऑन मेडिकल डाटा लिंक लीक ये सेकेंड रिपोर्ट थी एंड 120 मिलियन इंडियन पेशेंट्स को इसमें कवर किया गया एंड इनकी डाटा लीक हुई है फ्रीली अवेलेबल थी इंटरनेट पर सी टी स्कैन की इमेज एक्स रेज की एम आर आईज की एंड इवन पेशेंट्स के पिक्चर्स भी ये जो रिपोर्ट है ये महाराष्ट्र को टॉप ऑफ द स्टेट्स में रखता है एंड इसके बाद है नंबर कर्नाटका का सेकेंड एडिशन था रिपोर्ट का एंड ये गुड बैड अगली कैटेगरीज के अंदर इस इन्होंने रखा एंड इंडिया सेकेंड है अगली कैटेगरी में आप फ्टर दूएस ओके इशूज क्या एड्रेस है तो जो रिपोर्ट है वो कहती है कि लीक को फैसिलिटेट कर रहे हैं बाई द फैक्ट दैट द पिक्चर आरकिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स सर्वर ठीक है तो प्राइवेसी क्यों मेंटेन करनी है क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन जो होती है डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में वो प्रिवेलेज वन है एंड डॉक्टर हो या हॉस्पिटल हो तो एथिकली लीगली एंड मोरली उनको कॉन्फिडेंशलिटी मेंटेन करनी चाहिए नाउ साइरी दैट इज़ एस वाई आर आई एन आइडेंटिफिकेशन मकैनिज्म तो ये फर्स्ट है एनी इन द वर्ल्ड एक कोर्ट इन द नीदरलैंड उन्होंने रिसेंटली स्टॉप किया साइरी को एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन स्कीम है फॉर रीजनस ऑफ एक्सक्लूजन तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के सिमिलर है एंड स्पेशली उस समय जब आइडेंटिटी सिटीजनशिप या प्राइवेसी परटिनेंट क्वेश्चंस हैं इंडिया के अंदर तो सिस्टम रिस्क इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म है इसे डेवलप किया है डच मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स ने 2014 में ताकि फ्रॉड एंड रिस्क के बेनिफिट्स जो रिसीव करते हैं उन्हें देखा जा सके सेवन कैटेगरीज को ये शेयर करता है एंड जो कंपनी है उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी कहा गया है ये एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं टू एनालिसिस डाटा फॉर फोर सिटीज़ एंड रिस्क स्कोर्स भी कैलकुलेट करते हैं जो एलिवेटेड रिस्क स्कोर्स है फिर वो भेजे जाते हैं रेलिवेंट गवर्नमेंट आर्म्स को एंड जो कि स्टोर करते हैं इनको गवर्नमेंट डाटा को फॉर अ मैक्सिमम ऑफ टू ईयर्स गवर्मेंट इतने उस समय में इन्वेस्टिगेशन को ओपन कर सकती है ऑन द टारगेटेड पर्सन नाउ कोर्ट को वाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट इट बिकॉज ये प्राइवेसी जो गारंटीज़ हैं उनको वायलेट करता है एंड जो मीन्स इसीलिए इसको डिसएडवांटेज माना गया है ओके okay, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आधार जजमेंट था वो भी आ, लिमिट सेट करता है ऑन द आईडीज़ यूसेज हैग कोर्ट ने भी अटेम्प्ट किया टू बैलेंस सोशल इंटरेस्ट विद पर्सनल प्राइवेसी नाउ क्लोज सिक्स इन आसाम अकॉर्ड तीन मेजर कम्युनिटीज जो कि माइग्रेंट्स मानी जाती हैं आसाम के अंदर उन्होंने कंसर्न शो किया है ओवर द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर कमेटी ऑफ द ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लोज ऑफ ऑफ 1985 ये जो कम्युनिटीज हैं ये बंगाल ओरिजिन बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं जिन्हें मियास कहा जाता है द बंगाली हिंदूज एंड द गुरखास कंसर्स क्या है अगर इस क्लोज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इससे इन कम्युनिटीज को एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ 80 परसेंट से भी ज़्यादा आसाम में रह रहे, रहे हैं बैकग्राउंड यही है थर्टीन मेंबर पैनल सेटअप किया गया ताकि आसाम एकॉर्ड क्लोज सिक्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके जो कि आसामीज की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है क्लोज सिक्स ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिसलेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ जो भी अप्रोप्रिएट हो, वो देने होंगे ताकि आसामीज पीपल की Uh, को प्रोटेक्ट किया जा सके प्रिजर्व किया जा सके प्रोमोट किया जा सके उनका कल्चरल सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हैरिटेज लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया 1985 से ही कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सके पीपल को एज अंडर क्लॉज एनवेड आसमॉर्ड जो कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एंड लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट के बीच में इन न्यू डेली ऑन फिफ्टींथ अगस्त नाइनटीन एटी साल का ये एजुकेशन था जो कि आइडेंटिफिकेशन डिमांड कर रहे थे एंड डिपोर्टेशन चाहते थे इन लीगल इमिग्रेंट का इसे लॉन्च किया था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 1979 में इसके बाद असम एकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में नाउ वी विल रीड अबाउट पब्लिक सेफ्टी बिल तो जम्मू कश्मीर ने स्ट्रिंजेंट पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो स्लैप्ड कर दिया है अगेंस्ट द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं आर कमांड्स तो ये भी हम कर चुके हैं यूनिफाइड कमांड ओके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफिस है एयर डिफेंस कमांड से शुरुआत करेगा ये एक यूनिफाइड कमांड होगी जहाँ पे सभी सर्विसेज के रिसोर्सेज यूनिफाइड किए जाएंगे अंडर सिंगल कमांडर लुकिंग एट अग्राफिकल थिएटर मीनिंग कि एक सिंगल मिलिट्री कमांडर होंगे एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन वो रिसोर्सेज ले सकते हैं आर्मी के नेवी के एंड एयरफोर्स के टू मैनेज द सिक्योरिटी थ्रेट नाउ फंक्शंस क्या होंगे जॉइंट कमांड के जो कमांडर होंगे उनके पास फ्रीडम होगी ट्रेन करने की इक्विप करने की कमांड की लॉजिस्टिक्स होंगे सभी सर्विसेज के एंड टू ट्राई सर्विसेज कमांड्स होंगी एट द मोमेंट जो जॉइंट कमांड है एट द मोमेंट दैट इज एंडा एंड निकोबार कमांड ये एक थिएटर कमांड है जिसको चीफ्स हेड करेंगे ऑफ द थ्री सर्विसेज इन रोटेशन ये दो में क्रिएट की गई थी टू में

सेम रीजंस में होने के बावजूद ये लोकेट नहीं होती टुगेदर जॉइंट कमांड्स की जरूरत अगेन इसीलिए है ताकि डुप्लिकेशन ऑफ रिसोर्स ना हो एंड इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि इंटेग्रेटेड थिएटर कमांड्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है चाइना की जो पीपल्स लिब्रेशन आर्मी है उनके फाइव थिएटर कमांड्स हैं दैट इज ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथर्न एंड सेंट्रल यू के अंदर इलेवन यूनिफाइड कमांड्स हैं सेवन जोग्राफिक है एंड फोर फंक्शनल है इनके जो, जो, जो कमांड्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है नाउ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सो हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंटर से आप गवर्नमेंट से एक पी आई एल आई थी एनआईए के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब हम इसको दोबारा नहीं करेंगे स्टडी सम फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स तो ए पी आपका जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने फ्लैग ऑफ कर दी है कंट्री की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन तो ये फर्स्ट फ्रूट ट्रेन होगी एंड ये आपकी फ्लैग ऑफ होगी फ्रॉम तड़ी पत्री रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश 980 एट्टी मेट्रिक टन ये लोड लेके जाएगी लोकली ग्रोन बनानास का एंड जवाहर लाल नेहरू पोर्ट तक जाएगी मुंबई में ओके okay, एंड वहां से इसको ईरान एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ये इंडिया में पहली बार है जहां पे पूरी एंटायर ट्रेन सेंड की जाएगी गेटवे पोर्ट जे पर एक्सपोर्ट के लिए इससे टाइम एंड फ्यूल बचेगा क्योंकि 150 ट्रक्स चाहिए हैं चाहते हैं एंड ये 900 किलोमीटर का रास्ता है सो टाइम की भी बचत होगी देन टाइलर प्राइज फॉर द एन्वायरमेंट तो टाइलर प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी टू को दिया गया जिन्होंने नेचुरल एनवायरमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू क्वांटिफाई की उनमें से एक इंडिया से हैं दैट इज पवन सुखवेद सुखदेव प्राइज जो है वो 1973 में इस्टेब्लिश किया था लेट जॉन एंड एलिस टाइलर ने ये उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग मैनर में साइंटिफिक नॉलेज एंड पब्लिक लीडरशिप की हो एनवायरमेंट को बचाने के लिए नाउ न्यू मैस्कोट फॉर नेशनल गेम्स फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जिसको रूबी गुलाबी कहा जाता है ये मैस की तरह चूज़ किया गया है ऑफ द थर्टी नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा बिकॉज इट इज़ द स्टेट बर्ड ठीक है तो ये स्टेट बर्ड है ये एंडेमिक है साउदन पेनसुलर इंडिया के अंदर एंड इसका आई यू सी एन स्टेटस है लिस्ट कंसर्न शेड्यूल फोर्थ में ये है ओके okay, ध्यान रखिएगा नाउ ओज मल्टीपर्पजस नेशनल प्रोजेक्ट तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बनेगा आपका काठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिवर ओज पर जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर रवि की इससे पानी का यूटिलाइजेशन इन्हेंस होगा ईस्टर्न रिवर्स का भी जो कि इंडिया को दिया जाता है एज पर इंडस वाटर ट्रेटी जो उच रिवर है वो ओरिजिनेट होती है कैलाश माउंटेन्स में

Pipeline. तो ये आपकी लार्ज ट्रिब्यूटरी है ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन पर आसाम ये ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न हिमालय पटकाई हिल्स में जो कि अरुणाचल प्रदेश में है एंड फ्लो करती है थ्रू तिनसुकिया एंड दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द ब्रह्म पुत्रा एट द हिंग मुख नो मुक्ति कारवान तो ये आपका राजस्थान से रिलेट करता है यहाँ पे जो पीपल हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी इसको चाइल्ड लेबर सर्वाइवर्स ही लीड करेंगे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एंड राजस्थान पुलिस दोनों काम करेंगे एंड इसको ज्वाइन करेंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर जुरस्डिक्शन नाउ एन कोव डिक्लेयर अ स्टेट कैलामिटी इन केरला तो केरला ने नोवल कोरोना वायरस को एन कोव इन्फेक्शन घोषित कर दिया है कि एक स्टेट कैलामिटी है थ्री कन्फर्म्ड केसेस यहाँ पर मिले एंड जो डिसीजन है वो यही है कि आउटब्रेक को कंट्रोल किया जाए नाउ भूटान्स न्यू टूरिज़्म फ़ीस तो भूटान जो है वो एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगाने जा रहा है ऑन इंडियन बांग्लादेशी एंड मालदीवियन टूरिस्ट तो ये जो न्यू लेवी है ये अक्रॉस भूटान तो एप्लीकेबल नहीं होगा टूरिज़्म को प्रोमोट करने के लिए जो कम पॉपुलर एरियाज हैं ईस्टर्न भूटान के तो एसडीएफ विल नॉट बी लिविड ऑन टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस रीजन तो इससे उस कंट्री की इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन क्रिस्टिना कोच तो नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच अर्थ पर लैंड की ऑन 6th फरवरी 2020 थ्री ट्वेंटी एट डेज का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही हैं एंड जो प्रीवियस लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट थी बाय एनी वेमेन वो था टू एट्टी नाइन डेज़ का जो कि बनाया था पैगी विटसन ने वो भी अमेरिकन थी उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था ट्वेंटी सेवेंटीन के अंदर वेलेरी पोलिया कोव रशिया की हैं इन्होंने भी कम्बाइंड मैन एंड वेमेन रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट का फोर एट डेज ये रहे नाउ लखनऊ डेक्लेरेशन तो ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन है फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का एंड एम यही है कि इंडिया मेड इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया जाए टू द अफ्रीकन कॉन्टेंट कॉन्टिनेंट इन कीपिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप सिंस द नाइनटीन फिफ्टीज नाउ माउंट एकॉन कैगुआ तो 12 साल की मुंबई स्टूडेंट काम्या कार्तिकेयन ने रिकॉर्ड बनाया है कि वो वर्ल्ड में यंगेस्ट है टू सबमिट माउंट एकॉन कैगुआ तो माउंट एक्नकोगिया जो है वो आपकी एंडेस माउंटेन्स अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है ये हाईएस्ट माउंटेन है आउटसाइड ऑफ एशिया सिक्स नाइन मीटर्स इसकी हाइट है एंड ये सेवन समिट्स ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट्स में भी इंक्लूडेड है नाउ व्हाट इज़ पैंगोलिन तो ये आप ये सेवन सम्मिट्स जरा देख लीजिए एक बार जैसे ये है आपका एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो कि एट एट फोर एट है देन आपका माउंट एक्केनगुनिया है सिक्स नाइन सिक्स वन इसके बाद आप क्लीमजारो फाइव एट नाइन फाइव देख सकते हैं एल्ब्रस यूरोप देख सकते हैं फाइव सिक्स फोर टू माउंट किल्ले देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में ही है सिक्स वन नाइन फोर देन आपका ओशियन ओशियानिया है फोर एट एट फोर विंसन मैसिव है अंटार्क्टिका में फोर एट नाइन ओके okay, तो ये आप डाउनलोड कर लें नेट से इजीली अवेलेबल है एंड इनको अपने फ़ोन के अंदर या फिर आप सामने निकाल लें लैपटॉप में पढ़ते रहें एंड वीडियो को सुनते रहें तो इससे आपको बहुत कम मेहनत करनी होगी नाउ पैंगोलिन तो पैंगोलिन रिस्पॉन्सिबल है डेडली कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चाइना में एंड जीनोम सिक्वेंस सेपरेटेड फ्रॉम द एंडेंजर्ड एनिमल्स नाइनटी नाइन परसेंट आइडेंटिकल टू दैट फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल सो so बिगनिंग में जो स्नैक्स थे उन्हें ब्लेम किया जा रहा था फॉर द वायरस एंड चाइनीज के हेल्थी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कंटेंट किया कि जो वायरस है वो ओरिजिनेट किससे हुआ है बैट से हुआ है तो ये इस पेंगोलिन जो है वो स्केली मैमल है प्लानिट पे आप देख सकते हैं कैसे इसका डायग्राम है एंड साइट्स के अकॉर्डिंग दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशज ये मोस्ट इलीगली ट्रेडिड वर्टिब्रेट है विद इन इट्स क्लास मीन्स मैमलिया के अंदर स्टेटस ध्यान रखिएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो चाइनीज पैंगोलिन सी से ही ध्यान रखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड जो इंडियन पैंगोलिन है दैट इज़ मैनिस क्रैसी कोडाटा ये भी इंडेंजर्ड है आई की रेड लिस्ट में एंड शेड्यूल वन कैटेगरी में भी ये आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी टू नौशाम सिंह अटारी वाला तो ये जनरल हैं सिख एम्पायर के एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ मुल्तान कश्मीर एंड फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर इन्हें नॉमिनेट किया गया है काउंसिल ऑफ रेजेंसी के लिए जो कि सेटअप की थी महारानी जिंद कौर ने अपने माइनर सॉवरन महाराजा दिलीप सिंह के लिए जब पहला आंग्ल सिख वॉर हुआ था जब पहला आंग्ल सिख वॉर हुआ था तो इन्होंने सतलेज रिवर को क्रॉस किया था एंड अपनी लाइफ जो थी वो एक तरीके से न्यौछावर कर दी थी वन सेवेंटी फोर्थ डेथ एनिवर्सरी इनकी टेंथ फैब को मनाई जाएगी नौ छिंदु यक्ष गनम तो छिंदु यक्ष गनम या फिर चिंदु भागवतम ये एक थिएटर है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है चिंदु माडिका कम्युनिटी से एंड ये एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है विलेजेस अक्रॉस तेलंगाना तो ये ध्यान रखिएगा चिंदू कम्युनिटी एक नोमैडिक कम्युनिटी है नाउ गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर दैट इज जी ये मॉस्को रशिया के अंदर है फोर इंडियन पायलट्स ने यहाँ पे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग शुरू की है जो पूरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर बेसिक एंड जनरिक जेनरिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही साथ में जो एक्टिविटीज़ है विच आर स्पेसिफिक टू द फर्स्ट इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान उसको भी फॉलो मीन्स उसके भी एक्टिविटीज की जाएंगी एंड में जो वन या फिर टू मतलब फोर में से उनको फाइनली नेम किया जाएगा टू सर्कल द अर्थ इन द फर्स्ट डिफेंस वेपन सिस्टम जिसे नेशनल एडवांस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं ये करंटली डिप्लॉय किया गया अराउंड वॉशिंगटन डीसी एंड आई के अंदर रेडार लॉन्चर्स टारगेटिंग एंड गाइडेंस सिस्टम एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्टिंगर मिसाइल्स ये सभी इंक्लूडेड है यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अभी डॉलर वन बिलियन अप्रूव किए हैं फॉर द इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया जे आर डी टाटा टेंथ फेब्री नाइनटीन ट्वेंटी नाइन को इंडिया को पहला पायलट मिला था इन जहंगीर आर डी टाटा जिन्होंने क्वालिफाई किया था विद नंबर वन ऑन हिज फ्लाइंग लाइसेंस एंड फिर इंडियन एविएशन को जन्म दिया एक तरीके से तो जे आर लाइसेंस जिसे एविएटर सर्टिफिकेट कहते हैं ये इशू करते हैं द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा एक एसोसिएट है रॉयल एरो क्लब ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो कि लाइसेंसेस इशू करती है बाय द ब्रिटिश एम्पायर फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा है इसे रिकॉग्नाइज किया फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनली ने एंड दो नॉट डर फर्स्ट टू रजिस्टर जे आर डी जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इसे पास किया था विद नंबर वन ठीक है इसके साथ आप ध्यान रखिएगा नाम पुरुषोत्तम मेघ जी कवाली का जो कि एविएटर अकाउंट से फर्स्ट इंडियन पायलट माने जाते हैं तो ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 तो फिफ्थ एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर ये हुई किसके बीच में इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में फेबररी 2020 तक तो ये ध्यान रखिएगा देखिए यूके ब्रिटेन इन्हीं के साथ इनसे ही हम जीते हैं ठीक है हमने इनसे अपनी आज़ादी ली है तो अजय इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं एंड आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी लेवल जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे विद एम्फेसिस ऑन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज जो पहला एडिशन था वो कब हुआ था दो में हुआ था अभी तो देखिए फिफ्थ हुआ है फर्स्ट जो हुआ था वो टू थाउजेंड में हुआ था बेलगाम कर्नाटका के अंदर इसको भी आप ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि जो यूके था उन्होंने हम पे हमारे ऊपर राज किया ना तो वो बेलगाम हो गए थे तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो नाउ वर्ल्ड पल्सेस डे तो वर्ल्ड पल्सेस पल्सेस क्या है हमारी एग्रीकल्चर फ़ूड से रिलेटेड है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज की इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस एंड टेंथ फेबररी को हर साल इसको डेजिग्नेट किया जाता है एज द सेवेंटी थर्ड सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी एटीन तो मतलब इसे वर्ल्ड पल्सेस डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा कब टेन फेबररी को ना सेफर इंटरनेट डे तो सेफ और इंटरनेट डे अगले ही दिन बनेगा पल्सिस डे के अगले ही दिन यानी कि 11 फरवरी को ये सबसे पहले शुरू हुआ था यूरोप में अब 150 कंट्रीज में इसको रिकॉग्नाइज किया है इसकी जो थीम थी वो थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इसे ऑर्गेनाइज किया है इन सेफ इन होप नेटवर्क नेट ने ऑफ अवेयरनेस सेंटर्स जो कि थर्टी कंट्रीज में स्प्रेड है एंड इसे फंड करते हैं एस सी ई एफ दैट इज कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटी प्रोग्राम इंडिया में जो न्यूज डेली बेस्ड एनजी हैलैंड एंड जर्मनी को भी हिट कर सकता है जर्मनी में इसका नाम देंगे इंटरनेशनल डे फॉर वेमेन एंड गर्ल्स इन साइंस तो यह भी आपका 11 फेब को ही मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन ने इसे इस्टबलिश किया है 2018 के अंदर सिर्फ 28.8 परसेंट रिसर्चर्स ही वीमेन थी एंड उन्होंने कहा कि जो रिसर्चर्स हैं एज प्रोफेशनल्स इंगेज इन द कंसेप्शन और क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज ये ड्रॉप हुआ है थर्टीन पर्सन से 1901 से 2019 तक 334 नोबल प्राइजेस दिए गए हैं 616 वन लॉरियट्स को फिजिक्स में केमिस्ट्री में मेडिसिन में एंड जिनमें से जस्ट 20 हैव बीन वॉर्न बाय 19 वेमेन जो डबल लॉरियट है वो है मैरी क्यूरी 2019 में अमेरिकन मैथमेटिशियन करेन ओलेन बैक जो थे वो फर्स्ट वेमेन थी जिन्हें एबल प्राइज़ मिला था फॉलोइंग सिक्सटीन मेल मैथमेटिशियन जो फील्ड्स मेडल है वो भी अवार्ड किया गया है सिर्फ एक ही विमेन मैथमेटिशियन को दैट इज द लेट मरियम मिर्जा खानी ऑफ ईरान एज अपोज टू 59 नाइन मैन सिंस नाइनटीन थर्टी सिक्स नो इंडियन नेशनल्स लिविंग अब्रॉड कितने लोग रह रहे हैं बाहर 1.36 करोड़ जो हाईएस्ट नंबर है वो कहाँ रह रहे हैं यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दैट इज़ थर्टी फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड यानि कि वन फोर्थ ऑफ ऑल इंडियंस अब्रॉड इसके बाद सऊदी अरेबिया यूएस ठीक है ये ध्यान रखिएगा सब से लास्ट में बहरीन है नाउ यू एन एच सी आर लॉन्चेज टू बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी कॉम्पेन तो यू एन रेफ्यूजी एजेंसी यू एन एच सी आर ने एक नया ग्लोबल कम्पेन लॉन्च किया जो कि पीपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो टू बिलियन किलोमीटर्स जो है वो हर साल चलें रनिंग जॉगिंग वॉकिंग कैसे भी करके तो ये टू बिलियन किलोमीटर्स है टू सेफ्टी कम्पेन ताकि रेफ्यूजीज़ की रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया जा सके नाउ फर्स्ट डे वर्किंग वीक फॉर महा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइव डे वर्किंग वीक ऑर्गेनाइज़ किया अनाउंस किया वर्क ऑफिसर्स के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए ट्वेंटी नाइन से अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फोटी फाइव मिनट ज़्यादा काम करेंगे मंडे टू फ्राइडे ताकि इन्हें वीकेंड ऑफ मिल सके जो फाइव डे वीक है वो राजस्थान में बिहार में पंजाब में दिल्ली में तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के अंदर भी फॉलो किया जाता है ये उन गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई नहीं होता जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आते हैं एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर आते हैं या कोई ऐसे जो सर्विसेज कंसीडर करते सो केरला रुपीज थर्टीन प्राइस कैप ऑन बोटल्ड वाटर सो बोटल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अब प्राइस कैप इन केरला के अंडर आ गए हैं मीन स्टेट ने इसेंशियल कॉमोडिटी एंड इसके ऊपर सीलिंग फिक्स कर दी है दैट इज पर लीटर इसके साथ साथ बॉटल वाटर को लिस्ट ऑफ़ इसेंशियल कॉमोडिटीज़ में भी शामिल कर लिया गया है ताकि प्राइस कंट्रोल किया जा सके नाउ अबाउट कैट दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेबलिश किया गया था एंड नेमली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट नाइनटीन एंड इट वॉज एज सिक्वल टू द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसके थ्रू आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए लाया गया था तो ये ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट्स देखता है कंप्लेंट्स देखता है आ, वो सर्विसज ऑफ पर्सनस की जो कि पब्लिक सर्विसज में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा पब्लिक सर्विसिज़ का एग्ज़ाम क्लियर होगा तो उसके रिक्रूटमेंट या जो कंडीशनस हैं उसके रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स एंड कम्प्लेंट्स होती हैं वो ये देखते हैं इसके अंदर सिक्सटी फाइव हैं सिक्सटी फाइव मेम्बर्स हैं थर्टी थ्री जुडिशियल से होते हैं एंड इन थर्टी थ्री के अंदर ही चेयरमैन भी इंक्लूडेड है एंड थर्टी थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से होते हैं एंड जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना कि सुप्रीम कोर्ट ना आसम इज़ प्रोपोजिंग अ सेंसस ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम ग्रुप्स तो आसम वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो सेंसस करेंगे फोर कम्युनिटीज का जिसे कहा जाएगा आसम मुस्लिम्स दैट इज़ गोरिया मोरिया देशी एंड तो आप पढ़ेंगे माधव नेशनल पार्क तो माधव नेशनल पार्क माधव मध्य प्रदेश से है एंड इनका नाम माधव राव स्किंदिया के बाद रखा गया जो कि महाराजा थे ग्वालियर के एंड वो स्किंदिया डेनेसिटी ऑफ महाराष्ट्र से मराठा से बिलोंग करते थे ड्राई डिसीजियज एंड यहाँ पे ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे एंटेलॉप्स रहते हैं जैसे नीलगा चिंकारा डियर एंड कार्निवोरस भी जैसे कि लेपर्ड वॉल्फ जैकल फॉक्स वाइल्ड पिक नाउ अर्बन बैंड टोड गेको तो ये आप डाइग्राम में देख सकते हैं ये न्यू स्पीशीज़ है छिपकली की लिजाट की गुवाहाटी आसम में पाई गई है इसका साइंटिफिक नेम है क्यार्टो डैक्टाइलस अर्बेनस एंड दिस इज अर्बनाइजेशन जो है वो मेजर थ्रेट है टू द सर्वाइवल ऑफ गैकोस नाउ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वायनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी uh, केरला के अंदर है एंड यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड मे नॉट बी नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व एज द प्रपोजल लैक्स पब्लिक सपोर्ट तो ये केरला में है सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की जो इसका स्टेटस है टाइगर्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी लास्ट ईयर वहाँ पे पाया गया कि टाइगर पॉपुलेशन 75 या फिर 80 इंडिविजुअल्स के बीच में है सेंचुरी जो है वो इंटेग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ठीक है एंड इसके साथ ही प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ नगर होल एंड बांदीपुर ऑफ कर्नाटका भी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंड साउथ ईस्ट में है मुदुमलाई ऑफ तमिलनाडु नौ पंजाब किन्नू तो आप देख सकते हैं डायग्राम किन्नू की आप देख सकते हैं तो पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने रिसेंटली ही लॉन्च किया पंजाब किन्नू आफ्टर द किन्नू फेस्टिवल इन अबोहर एंड ये जो ब्रांड है इसे किंग फ्रूट ऑफ पंजाब कहा जाता है ये पेस्टिसाइड फ्री होता है एंड पंजाब इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है नो एरोट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिल्वर फॉर एक्सेलेंस दिया गया है इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ईयर ट्वेंटी नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी इरो के रिकॉग्निशन के लिए ही ये अवॉर्ड दिया गया ताकि क्योंकि इसके थ्रू एक डाटा बेस बना पाते हैं सभी स्टेट सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए एंड नाइन्टी वन करोड़ इलेक्टर्स का डाटा है इसके अंदर इलेक्टोरल रोल को ये बेड रॉक प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्शन कंडक्ट करने में ईजी रहे एंड प्रोसेस भी ऑटोमेट करता है फॉर इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन से लेके वेरिफिकेशन करना इलेक्टर्स की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लेना एंड एक्सटेंसिव इंटेग्रेटेड वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देना नाउ रैड सेकेंड मिसाइल तो पाकिस्तान की ये मिसाइल है ध्यान रखिएगा सिक्स हंड्रेड किलोमीटर इसकी रेंज है बस इतना ही इसके अंदर ध्यान रखना है एंड ये ध्यान रखिए पाकिस्तान ने ये इसलिए बनाई ताकि वो इंडिया की ब्रह्मोस क्यूज़ मिसाइल को मैच कर सके ब्रह्मोस इंडिया एंड रशिया की है नाउ कला कुंभ तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट एंड इंडिया के हेरिटेज को प्रोमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कला कुंभ ऑर्गेनाइज किया कला मीन्स क्राफ्ट थीमेटिक एग्जीबिशन एंड इसको ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर के थ्रू करवाया जाएगा ये जो एग्जीबिशन है इसे स्पॉन्सर करेंगे ई पी सी एच दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इसे कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन एटी सिक्स एट्टी सेवन में ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नाउ इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस को रीनेम करके नाम रख दिया गया है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस ये ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है एंड इसका एम यही है रिसर्च एंड स्टडीज़ करना इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी ना इंडिया टू होस्ट एफ सी विमेंस एशिया कप इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इंडिया जो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ए एफ़सी वमेन्स एशिया कप होस्ट करेगा एंड ये अनाउंस कर दिया है ए एफ सी विमेन्स की कमेटी ने ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कहाआला लुमपुर मलेशिया के अंदर ये एक क्वाड्रेनियल कंपटीशन होगा वेमेंस फ़ुटबॉल का एंड नेशनल टीम्स के लिए जो कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन कन्फेडरेशन के अंदर आती हूँ ये एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा फिफा वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए तो पहले अगर ये क्वालिफाई हुआ जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो मेंस के लिए जाएंगे तो अगर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का कॉम्पिटिशन क्वालिफाई हुआ तो तब वो फीफा वेमेंस वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगी। देन लॉक हिट्स मार्टीन हेलीकॉप्टर्स तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने 24 यूएस यू एस मल्टी रोल हैलीकॉप्टर्स को क्लियर uh, कर दिया है इंडियन नेवी के लिए इन्हें प्रोक्योर किया जाएगा फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट से फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट पाके टाइगर रिज़र्व तो पाके टाइगर रिज़र्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 692.7 किलोमीटर हाईवे बनाने जा रही है पाके टाइगर रिज़र्व के थ्रू इन ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट एंड इसका जो नेम है वो है ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करेगा भैराव कुंड इन वेस्ट से मनमाओ इन चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अलोंग अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद आसाम तो ये आप देख सकते हैं ये आपका है जस्टा मिनट ये आपका है डिला आपका बॉन्डिला डिला टेंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका देखिए ये गुवाहाटी है एंड ये आपका जा रहा है एरिया ये है आपका भकुल पोंग ठीक है ये थोड़े से नेम ध्यान रखिएगा एंड यहाँ पे है आपका पाक्के टाइगर रिजर्व ये है आपका डब्लू कमिंग एंड ये आपका वेस्ट कमिंग हो गया ये आपका ईस्ट कमिंग हो गया ठीक है देन ये आप ध्यान रखिएगा आसाम के बॉर्डर पर है एंड वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मनमाऊ तो मनमाऊ तो इसके अंदर नहीं दिखाया हुआ है कोई बात नहीं एंड जो पक्के टाइगर रिजर्व है इसको पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं आई थिंक पाख्वी टाइगर रिज़र्व के बारे में शायद 2016 में पूछा गया था तो यहाँ पे देखिए आया भी है लेकिन 2016 में या 17 में आई हैव सीन इन मैंने बुक के अंदर देखा है कि शायद यही टाइगर रिज़र्व पूछा गया था तो इसको इंडिया बायोडावर्सिटी अवार्ड 2016 मिला था इन द कैटेगरी क्योंकि इन्होंने कंजर्व किया था थ्रेटन स्पीशीज़ हॉर्नबिल को हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर सो इट इज़ बाउंडेड बाई बरेली आप देख सकते हैं कमिंग रिवर है एंड बरेली uh, से बाउंडेड है वेस्ट की तरफ एंड पक्के रिवर है ईस्ट में इसके जो नेबर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर पप्पू रिजर्व फॉरेस्ट है असम का नमेरी नेशनल पार्क डोयमारा रिज़र्व फॉरेस्ट एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से पैरेनियल स्ट्रीम्स भी हैं जैसे कि नमेरी खारी एंड अपर दिकोराई जो वेस्ट है कमिंग रिवर की वो है सिस्सा ऑर्किड सेंचुरी नाउ वी विल रीड अबाउट रिडले टर्टल्स तो प्रिपरेशंस पूरी हो गई हैं ऋषि कुल्या रुकरी इन द उड़ीसा कोस्ट ताकि ऑलिव रिडले को रिडले टर्टल्स को ड्यूरिंग देयर मास नेस्टिंग उनको वेलकम किया जा सके प्रोटेक्ट किया जा सके क्योंकि ये मेटल नेट बनाती हैं अपना गोखर कूड़ा से बटेश्वर तक ठीक है तो ये जो स्ट्रेच है ये प्रिफर्ड है मास नेस्टिंग के लिए इन द रुश, कुल्या दुशिकुल्करी तो ये आप देख सकते हैं ये आपका रुशी कुल्या रोकरी है एंड जो ऑलिव रेडलेज है वो आपके सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं जो कि वर्ल्ड में पाए जाते हैं ये वार्म वाटर्स के अंदर रहते हैं इन द पैसिफिक एटलांटिक एंड इंडियन ओशियन इन्हें अरी बडर्स एंड एनुअल मास नेस्टिंग्स के लिए जाना जाता है इनका स्टेटस ध्यान रखिएगा वनरेबल है अपेंडिक्स वन में आते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में ऑपरेशन खचप्पा इनके लिए चलाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उड़ीसा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा के साथ मिलकर एंड कुछ और एनजीओस के साथ मिलकर नौ रोहतांग पास तो ये रोहतांग पास आपको पता होगा पीर पांजल रेंज है हिमालयास के अंदर उसके ईस्टर्न साइड में है ये कुल्लू वैली को विद द लाहौल एंड स्पिति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश उसे कनेक्ट करता है ये पास जो है ये वाटर का शेड का काम करता है बिटवीन द लाइज ऑन द वाटर शेड बिटवीन द चनाब एंड बीस बेसिन तो ये आप देख सकते हैं ये आपका रोहतांग पास है ये वाला है आपका रोहतांग पास एंड ये आपकी पीर पांचाल जो है वो रेंज है हिमालयास की यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहले कराकोरम हो गई ठीक है नौ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला तो ये यहाँ पर मेरा घर है एंड पहले मैं फ़रीदाबाद ही रहती थी शादी होने के बाद बीकानेर आ गए तो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला ये इसकी रिचनेस हैंडी क्राफ्ट्स यहाँ पे मतलब आप हैंडलूम्स चीज़ें लेकर लेने के लिए जा सकते हैं मतलब सिंपल मेला टाइप होता है एंड लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला फेयर इन द वर्ल्ड थर्टी जो है वो हुआ हर फरीदाबाद के अंदर हर बार फरीदाबाद में ही होता है अब जब तक जब से मैं देख रही हूँ मेले को ऑर्गेनाइज़ करती है सूरज कुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म टेक्सटाइल्स कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर जो थीम थी वो ध्यान रखिएगा थीम थी इस बार द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन चोजन टू बी द थीम स्टेट मेन मोटिव यही है हैंडलूम्स एंड हैंडी को प्रोमोट करना ना मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कर्नाटक के चमराजनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है टाइगर रिजर्व है एंड जो अप्रूवल है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्वेंटी टाइगर से यहाँ पर एंड बस यही ध्यान रखिए कर्नाटक के अंदर सिक्स टाइगर रिजर्व्स और हैं नागरहोल भद्रा अंशी डंडेली बंदीपुर एंड बीआरटी टाइगर रिजर्व्स के अलावा नौ क्रेस ट्रॉपिस ग्रेथा थनबर्गई तो ये न्यू स्पीशीज़ है आप देख सकते हैं किस तरीके का ये स्नेल है ये आप स्नेल देख सकते हैं एंड इसको नेम किया गया है स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेथा थनबर्ग के नाम पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ये आता है एंड इसका जो स्नेल्स हैं ये पाए जाते हैं ड्यूरिंग अ फील्ड कोर्स कंडक्टेड बाय टैक्सोन एक्सपेडिशन एट कुआला बेलागोंग फील्ड स्टडी सेंटर इन ब्रोने नाउ प्लेसेस इन न्यूज इडलिप तो नौ साल की लड़ाई सीरिया जो है वो लड़ रहा है एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इडलिब के लिए एंड रैपिडली एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेज ऑफ प्रेजिडेंट बशर अल असद एंड टुर्किश मिलिट्री तो इडलिब एक सिटी है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर फिफ्टी नाइन किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ एलेप्पो कैपिटल है इडलिब गवर्नो रेट की नाउ वी विल रीड अबाउट ये इसका आप एक बार जरूर डायग्राम भी देख लीजिए ये आप देख सकते हैं ये आपका टर्की है ये आपका सीरिया है ये आपका इटलिप है नौ सौ वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 तो डॉक्टर नीति कुमार जो कि सीनियर साइंटिस्ट है फ्रॉम डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पेरिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी दैट इज़ सी एस आई आर आई सी डी आर आई लखनऊ इन्हें ये अवार्ड मिला ये विमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो फोर्टी ईयर्स से कम हो एंड नेशनल अकेडमी से रिकॉग्निशन मिला हुआ हो फाइव ,00 लाख रुपीज़ मिलते हैं हर साल तीन साल के लिए कौन देता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है नाउ इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ये बस इतना ही ध्यान रखिए न्यू दिल्ली के अंदर हुई इसके अंदर वो चेंजेस डिस्कस किए जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ वूमेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट के फिश डिस्कवर किया गया है मेघालय के जेंतिया हिल्स के अंदर ठीक है देन यंग ये ये भी ध्यान रखिए जो के फिश है ये वन एंड हाफ फीट है लेंथ में एंड इसकी कोई आईज नहीं है व्हाइट है ड्यू टू लैक ऑफ मेलेनिन पिगमेंटेशन क्योंकि मैलनिन से कलर जो होता है वो ब्लैक होता है नाउ योंगल ब्लू होल तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरीके का होल है एंड कार्बन मोर देन एट थाउजेंड इंड ओल्ड वो इसके अंदर है इनसाइड अ योनिंग सिंक होल इन द साउथ चाइना सी एंड ये डिपेस्ट नोन मराइन कैवर्न है एंड ये लोकेटेड एट जिक्शा आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी रफली 300 हंड्रेड मीटर्स है ये टॉप से लेके बॉटम तक एंड इसके जो वाटर्स है वो आइसोलेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग ओशियन एंड रिसीव लिटल फ्रेश वाटर फ्रॉम रेनफॉल मेकिंग इट अ रेयर स्पॉट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन डिप्राइव्ड मराइन इको सिस्टम नाउ जर्मन कोर्ट स्क्रैप्स बैन ऑन असिस्टेड सुसाइड तो जर्मन के हाई कोर्ट ने कहा है कि 2015 का जो लॉ है जो बैन करता है प्रोफेशनल असिस्टेड सुसाइड को वो असंवैधानिक है एंड ये एक लैंडमार्क डिसीजन में कहा गया था दैट पीपल हैव द राइट टू अ सेल्फ डिटर्मिंड डेथ तो ध्यान रखिएगा राइट टू अ सेल्फ डिटर्मिन डेथ इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू टेक वंस लाइफ एंड सीक हेल्प डूइंग सो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है जर्मन के कोर्ट ने हाईएस्ट कोर्ट ने कहा है कि ये गलत डिसीजन दिया गया था ट इज बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन तो मिजोरम गवर्नमेंट ने रिवीजन ऑफ बाउंड्री की चाहते हैं वो आसाम के साथ बेस्ड ऑन द बंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 एंड द इनर लाइन ऑफ द लुशाई हिल्स नोटिफिकेशन ऑफ 1993 बीएफ बीईएफआर अलाउ करता है अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम एंड नागालैंड को कि वो किसी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को लेट नहीं कर सकते विदाउट एन इनर लाइन परमिट टेम्पररी स्टे के लिए तो ये हम सी ए के अंदर काफ़ी हमने पढ़ा है मिज़ोरम को यूज़ किया जाता है टू बी द लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम बिफोर बींग मेड अ यूनियन टेरेटरी इन नाइनटीन सेवनटी टू एंड अट्ट इन नाइनटीन एटी सेवन तो ध्यान रखिएगा मिजोरम पहले यूनियन टेरेट्री बनी थी नाइनटीन सेवनटी टू में एंड फ्री से स्टेट हुड दिया गया था नाइनटीन एटी सेवन में विद गोवा क्योंकि आई थिंक गोवा को भी नाइनटीन एटी सेवन में ही मिला था मिजोरम वन ट्वेंटी थ्री किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है साउदन आसाम से एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि फाइव हंड्रेड नाइन स्क्वायर माइल स्ट्रैच जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है नेबरिंग स्टेट ने नव आइकोसडिटोट्स 2020 तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज इन आयुष तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी हुई न्यू दिल्ली के अंदर तो ये बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल इवेंट है जो कि डेडिकेटेड है टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ़ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ये ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि एक्सपेंड करना है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस को नाउ इंद्रधनुष इंद्रधनुष एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया के बीच में एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में ठीक है सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन मेडिसिन ओके तो इसको मेडिसिन से आप या जो वैक्सीन है उनसे कन्फ्यूज मत कीजिएगा ये एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड यूके के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया के अंदर हुई बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन इसका फोकस था नौ रेस ट्वेंटी ट्वेंटी ये एक मेडन सब्मिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो कि सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं जो इवेंट है रेस ट्वेंटी ट्वेंटी इसका थीम भी यही था

ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के अंदर काम कर रहा है नाउ व्हाट इज 2020 ट्वेंटी सी थ्री आ मिनी मून तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर मीट आउट टेम्पररी मिनी मून तो आप इसको देखिए कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किया है जो कि अर्थ का ऑर्बिट करता है जिसका नाम रखा गया है ट्वेंटी ट्वेंटी मिनी मून या फिर प्लानट का सेकेंड मून ये एक्चुअली में एक एस्ट्रॉयड है जो कि एक कार के साइज के बराबर है एंड इसका डायमीटर है 1.9 टू 3.5 मीटर इसे टेम्पररी तेम्प, कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट कहा गया है एंड हमारे परमानेंट मून की तरह ना होके ये टेम्पररी है एंड ये इट विल इवेंचुअली ब्रेक फ्री ऑफ अर्थ ऑबिट एंड ये अपने आप अपने रास्ते चला जाएगा वट इज़ हैनेगुआ सेलम मिनिकोला तो ये एक नॉन ऑक्सीजन ब्रीथिंग एनिमल है जिसे रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया ये एक टेन सेल्ड माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जो कि सैलमोन मसल के अंदर रहता है एनेरबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये रहता है इसको किसी माइटोकॉन्ड्रियल जिनोम की जरूरत नहीं है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं टू मेक एनर्जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसे सेटअप किया संगीत नाटक ने 1959 में 1975 में 1975 इसे एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर किया गया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ एंड इसे फाइनेंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रंग महोत्सव या फिर नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन में जो कि एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का न्यू डेली के अंदर ये हुआ था एंड लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है एशिया का जो कि सिर्फ थिएटर को ही डेडिकेटेड है नाउ आईसी जी वरत तो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल आई सी वरत कमीशन कर लिया गया है सर्विस में ये फिफ्थ होगा सीरीज में ऑफ सेवन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जिसे कंस्ट्रक्ट किया लार्सेन एंड टॉब्रो ने 2015 का कॉन्ट्रैक्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये पहला मेजर डिफेंस शिप है जो कि सभी सी ट्रायल्स को क्लियर करेगा इन वन सिंगल सी सॉटे एंड इसे डिप्लॉय किया गया है एट पारादीप इन उड़ीसा अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोस्ट गार्ड आईसीजीएस वरद जो है उसे डिप्लॉय किया जाएगा फॉर द सर्वेलेंस ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच ऑल क्योंकि हमने फेबररी के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं अब सिर्फ हमारे मार्च के करंट अफेयर्स हैं ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रही थी सॉरी फॉर दैट डिले लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम जैसे ही सॉर्ट आउट हुई मैं आपको डेली वीडियोस दे रही हूँ एंड फैब तक मैंने आपको सभी करंट अफेयर करा दिए हैं जून से फैब तक आप उन सभी वीडियोस को दोबारा से सुने एक बार सुनने से नहीं होगा चाहे तो अपने नोट्स बना लें रिविजन करें फ्री टाइम होते हुए खाना खाते हुए घूमते हुए इनको सुने वीडियोस को ओके एंड आप आई अग, नो अगर आप इसको डाउनलोड करके रखेंगे तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो पाती है तो अगर आपको लगता है कि धीरे मतलब स्पीड है तो आप थ्री कॉर्नर्स आते हैं राइट एंड साइड के अंदर एंड इसको लाइव ही चलाएंगे तो फिर आपको क्या होगा मतलब आप इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाकर भी देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद स्पीड नहीं बढ़ पाती है तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप करें फैप तक कंप्लीट रिविजन कर ले मार्च के जैसे अप्रैल के अंदर मार्च के मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर ही दूंगी अप्रैल के अभी आने में टाइम लगेगा अप्रैल एंड में उसके हम अप्रैल के करी लेंगे मे के मंथ में एंड मे के जो होंगे वो मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी इतना साथ देने के लिए थैंक यू सो मच जो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं दूंगी आपको वीडियोस इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को प्लीज़ 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 प्लीज प्लीज शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग थैंक यू